हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए के एफ टी कोर्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है ना, यहाँ पास आप देख सकते हैं मैं एक फिगर बनाया हूँ। सपोज कर लीजिए कि यही हमारा मेटल पाइप है, ठीक, जिसका जो लेंथ है वो है 77 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए जो पाइप का शेप है उसको देखिए, वो कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है ना, अब सिलेंड्रिकल शेप है तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो भी सिलेंडर वाला ही लगेगा। ठीक है ना, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, अब देखिए जो सिलेंडर का जो लेंथ होता है वो उसी की हाइट होती है, मतलब सिलेंडर में लेंथ और हाइट इक्वल होता है। ठीक, तो इसको हम आप लेंथ भी बोल सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। ठीक है ना, देखिए सिलेंडर में जो लेंथ होता है इसका, यानी जो लंबाई होता है वही उसका हाइट हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि सिलेंडर में लेंथ और हाइट इक्वल होता है, और यहाँ पास जो हमारा पाइप है उसका जो शेप है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक, तो जो पाइप का जो लेंथ है 77 सेंटीमीटर वो उसका हाइट हो जाएगा, मतलब हाइट इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद बोल रहा है द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब इनर डायमीटर क्या होता है, आउटर डायमीटर, ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसका थिकनेस, देखिए कोई भी पाइप होगा, ठीक है ना, या तो प्लास्टिक से बना होगा या तो लोहे या कोई भी, यहाँ पास देखिए मेटल से बना है, कोई मेटल से बना है। ठीक, अब देखिए उसका कोई चद्दर होगा, जैसे लोहे का चद्दर होता है ना, मतलब थिकनेस मोटापा जो होता है, अब मतलब कुछ तो mm होगा ही, 2 mm, 3 mm, 4 mm। ठीक है ना, जैसा आप लेंगे लोहा, यानी जैसा पाइप लेंगे, जितना मोटा पाइप लेंगे उतना उसका थिकनेस रहेगा। ठीक, अब उस थिकनेस से देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पास मैं थोड़ा और मोटा कर दिया हूँ मार्कर से। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं ये पाइप का जो है ना क्या है, थिकनेस है, यानी मोटापा है। ठीक है ना, मतलब ये जो मेटल है उसका थिकनेस है। ठीक, अब थिकनेस है। ठीक, अब एक अंदर साइड वाला सिरा लीजिए और एक बाहर साइड वाला सिरा लीजिए, मतलब जो प्लास्टिक अंदर अंदर वाला है, ठीक है ना, अंदर वाला, ठीक है ना, प्लास्टिक या मेटल का जो पाइप है, पाइप कैसे बना है, मेटल से बना ये वाला पाइप। ठीक, तो इसका अंदर अंदर वाला लीजिए। ठीक है ना, तो अंदर टू अंडर जो डायमीटर है यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पास बोला है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ये होता है। ठीक है ना, तो मैं अंदर ही बना देता हूँ, आप कहेंगे तो बाहर ही बना दूंगा, तो अंदर ही बात एक ही है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन और अंदर वाला सेम ही होगा। ठीक, तो यहाँ पास जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक, सेम यहाँ पास अंदर टू अंदर भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बात एक ही है। ठीक है ना, कुल मिला के इनर डायमीटर बोला है, तो जितना क्रॉस सेक्शन पे रहेगा उतना मिड में रहेगा और नीचे वाला भी क्रॉस सेक्शन में उतना ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि डायमीटर चेंज तो होगा नहीं। ठीक, अब देखिए इनर डायमीटर मतलब अंदर टू अंडर, समझिए बात को। ठीक है ना, मतलब थिकनेस का जो मान लीजिए यही मान लीजिए कि हमारा क्या है कि मेटल वाला जो हमारा पाइप है वही है। ठीक, तो अंदर टू अंडर, ठीक है ना, मतलब अंदर ही अंदर जितना उसका होगा डायमीटर उसको बोल देंगे इनर डायमीटर। ठीक, उसके बाद बाहर से लेके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब अब यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो होगा इसको बोलते हैं आउटर डायमीटर। ठीक है ना, मतलब उसका थिकनेस को लेकर इंक्लूडिंग उसका थिकनेस, ठीक है ना, उसको बोलेंगे आउटर डायमीटर। ठीक, तो द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इस 4 सेंटीमीटर, तो ये क्रॉस सेक्शन ही है, तो यहाँ पास 4 सेंटीमीटर हो गया हमारा जो इनर डायमीटर है। ठीक, और मैं मिड में भी लिख दिया, ठीक है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। अब आउटर डायमीटर मतलब मैं पहले ही बताया कि बाहर वाला, मतलब इंक्लूडिंग उसका थिकनेस, ठीक है ना, मतलब जो प्लास्टिक का या मेटल का जो भी उसका थिकनेस रहेगा, मोटापा रहेगा, जो जितना भी चादर रहेगा, मतलब जितना एमएम का रहेगा उसको इंक्लूड कर लीजिएगा, तो वो आपका आ जाएगा आउटर डायमीटर। ठीक, तो मतलब यहाँ से लेकर, ठीक है ना, और यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये है हमारा 4.4। ठीक है ना, अब या क्रॉस सेक्शन भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, यहाँ पास भी आप लिख सकते हैं 4.4। अब ये मत कह दीजिएगा कि यहाँ 4 कैसे हुआ, यहाँ 4.4 कैसे हुआ। ठीक है ना, अब ऊपर वाले में क्या किया हूँ, मैं थिकनेस को नहीं लिया हूँ, तो इनर डायमीटर बता रहा है 4.4 सेंटीमीटर, गलती बोल दिया मैं 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो यहाँ पास लिया हूँ मैं इंक्लूडिंग, मतलब इसका थिकनेस को लेकर, मतलब
इसका जो मोटापा है यानी जो चद्दर है उसका, उसको लेकर के आऊँ तब जाके आउटर डायमीटर बनाया और वो बनाया 4.4 सेंटीमीटर। ठीक, ये 4.4 सेंटीमीटर आउटर वाला है और ये इनर वाला है। ठीक, उसके बाद हमको फाइंड करना है। ठीक है ना, इतना हमको दे दिया है, मतलब आपको क्वेश्चन का गिवेन, ठीक है ना, कि इतना आपको दिया है तो इसके मतलब इसके अनुसार आपको फाइंड करना है। सबसे पहले नंबर पे इनर कवर्ड सरफेस एरिया, मतलब इस पाइप का, इस मेटल पाइप का हमको इनर कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक, उसके बाद फाइंड करना है आउटर कवर्ड सरफेस एरिया। ठीक, आउटर कवर्ड सरफेस या आउटर कवर्ड सरफेस एरिया। ठीक, अब आउटर कवर्ड सरफेस एरिया मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है ना, और इनर मतलब अंदर टू अंडर। ठीक, उसके बाद थर्ड नंबर में बोला है कि टोटल सरफेस एरिया। ठीक, टोटल सरफेस एरिया में देखिए इनर वाला भी आउटर वाला भी और ये दोनों क्रॉस सेक्शन है उसको भी फाइंड करना है, उसके बाद ऐड कर देना है तो हमारा मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया किसका, इस मेटल पाइप का। ठीक, तो आइए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम लिखेंगे गिवेन कि हमको मिला क्या। ठीक, अब गिवेन में देखिए सबसे पहले बोला है कि इसका जो लेंथ है, ठीक है ना, कितना है 77 सेंटीमीटर। ठीक, तो लेंथ ना लिख के मैं उसका हाइट लिख देता हूँ। हाइट कितना है हमारा 77 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पास आपको समझाया था शुरुआत में ही। ठीक, यानी इसका जो हाइट हुआ h इक्वल टू हाइट 77 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद बोला है कि द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस डायमीटर को मैं स्मॉल डी लिखा हूँ, ठीक है ना, और इस वाले को मैं ब्लू मार्कर से कैपिटल डी लिखा हूँ, ठीक है ना, तो मैं रिप्रेजेंट भी सेम करूँगा, इनर डायमीटर के लिए स्मॉल डी, ठीक है ना, और इसके लिए तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ आई डी, मतलब इनर डायमीटर, ठीक है ना, आप समझ जाइएगा। ठीक, जो हमारा इनर डायमीटर है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो इसका जो इनर रेडियस होगा वो कितना होगा, ठीक है ना, और ठीक है ना, और जो इनर इसका रेडियस होगा वो हो जाएगा 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। ठीक, इनर रेडियस तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, आई आर मतलब ये इनर के लिए, आई मत ध्यान दीजिए आप, डी और आर को ध्यान दीजिए, ठीक है ना, मैं आई इसलिए लगा दिया हूँ गिवन में ताकि समझ में आए कि इनर वाला है कि आउटर वाला है। ठीक, तो इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर, इनर रेडियस, ठीक है ना, मेन हमारा आर से मतलब है तो आर को मैं स्मॉल आर रिप्रेजेंट किया हूँ क्योंकि ये अंदर वाला है। ठीक, तो वो हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब आउटर डायमीटर भी देख लेते हैं, कैपिटल डी इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पास भी कैपिटल डी से ही मैं रिप्रेजेंट किया हूँ, ठीक है ना, तो आई आउटर डायमीटर इक्वल टू यहाँ पास बोला है बिंग 4.4 सेंटीमीटर। ठीक, 4.4 सेंटीमीटर। ठीक, और अब इसको जब रेडियस में आप कन्वर्ट करेंगे तो 4.4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आई आर, ठीक है ना, अब सॉरी ओ आर होगा, आउटर रेडियस, ठीक है ना, अब कैपिटल आर को आप ध्यान दीजिएगा, ओ और ओ इसलिए लिखा ताकि आउटर के लिए समझ में आए। ठीक, तो जो मेन है वो हमारा क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है ना, मतलब आउटर डायमीटर का जो रेडियस बना है वो कैपिटल आर बना है और उसका जो वैल्यू है इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 2.2 आएगा, ठीक है ना, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक, और यही आपको लग रहा है गिवन में भी हमको दिया है, इससे अधिक कुछ नहीं दिया। ठीक, अब इसके हिसाब से हमको फाइंड करना है, ठीक है ना, इतना हमको दिया है तो सबसे पहले इनर कवर्ड सरफेस एरिया, उसके बाद हम जो आगे का बोला है दोनों उसको फाइंड करेंगे। ठीक, तो आइए फाइंड करते हैं इनर कवर्ड सरफेस एरिया। ठीक, आई यानी इनर, सी एस ए मतलब कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, आई सी एस ए मतलब इनर कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, समझ लीजिएगा आप। अब देखिए किसी भी सिलेंड्रिकल शेप का या किसी भी पाइप हो जिसका शेप कैसा हो, राइट सर्कुलर सिलेंडर या सिलेंडर का जो भी शेप होता है, ठीक है ना, उसका जो कवर्ड सरफेस एरिया निकालते हैं या उसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो होता है 2πrh, ठीक है ना, यानी इसका अगर आप इनर कवर्ड सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं इस मेटल पाइप का तो आप फॉर्मूला लगा देंगे 2πrh तो इसका इनर कवर्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पास हम लिखेंगे इनर कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, ऑफ दिस मेटल पाइप इक्वल टू 2 पाई
आर एच, ठीक है ना। अब आर बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना, स्मॉल आर लिखा हूँ ना, मतलब किस लिए लिखा हूँ, क्योंकि मैं इनर वाला निकाल रहा हूँ। यहाँ पास आप देख सकते हैं इनर डायमीटर, तो इनर रेडियस में, ठीक है ना, तो ये हमारा किस लिए है, इनर रेडियस है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पास लिखा हूँ स्मॉल आर, ठीक। अब टू पाई आर एच, ठीक। अब पुट करते हैं इसमें, आर का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, और एच का वैल्यू है 77 सेंटीमीटर, और पाई का वैल्यू तो आप जानते होंगे 22/7, ठीक। तो 2 × 22/7 इंटू, ये 22/7 है, आर आर कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर है, और एच कितना है हमारा 77 सेंटीमीटर, ठीक। अब कवर्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, मतलब कुल मिला के एरिया ही निकाल रहा है, तो उसका जो वैल्यू आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में आएगा। अब सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में क्यों आया, क्योंकि इन दोनों का यूनिट कैसा है, सेंटीमीटर में, ठीक, इसलिए हमारा है सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 टेंस में चला जाएगा, ठीक। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 होगा ना, अब 4 × 22 तो हो जाएगा 88, और 88 में जब आप 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 × 11, ठीक, तो आपका आ जाएगा जो आंसर आएगा, यही पास लिख देता हूँ, ठीक है ना, मतलब इसके नीचे वाला स्टेप है तो मैं यहाँ पास लिख दिया, और नीचे वाले में मैं आउटर वाले को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना, तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, तो 11 × 8 88, ठीक, और 11 × 8 88, आज जो कैरी 8 था तो 88 + 8 हमारा हो जाएगा 96, ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में, ठीक है ना, मतलब जो हमारा इनर कवर्ड सरफेस एरिया जो आया है, ठीक है ना, वो कितना आया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आया, ठीक, पहला नंबर का आंसर आ गया, ठीक है ना, कि इनर कवर्ड सरफेस एरिया कितना है, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक। अब यहाँ पास आर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना, तो आर आप कैपिटल आर मत पुट कर दीजिएगा, कैपिटल आर किसके लिए है, आउटर के लिए, तो जब हम सेकेंड नंबर निकालेंगे ना तो उसमें कैपिटल आर लिखेंगे, 2π R H, ठीक है ना, तो ये हमारा इनर वाला निकल गया। आप सेकेंड नंबर निकाल देते हैं जो कि है हमारा आउटर वाला, ठीक, आउटर सेफ जैसे इसको कह रहे हो वैसे उसको भी कर देंगे, आउटर कवर्ड सरफेस एरिया इक्वल टू, अब देखिए कुल मिला कवर्ड सरफेस एरिया ये हमको निकालना है, ठीक, तो कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी सिलेंडर का शेप का, वो होता है 2π R H, ठीक। अब हम डिपेंड ये करता है कि आर कैसा है, ठीक है ना, आर आउटर वाला है आर है कि इनर वाला आर है, ठीक, तो यहाँ पास 2π, अब आर, अब स्मॉल वाला आर लिख देंगे ना तो गलत हो जाएगा, यहाँ पास हमको लिखना है कैपिटल आर और एच, एच सेम है, ठीक है ना, जैसे इसमें लिखेंगे वैसे इसमें भी आप लिखेंगे, ठीक। अब पुट कर देते हैं 2 × 22/7 A2, आर आर कितना है हमारा 2.2 A2, एच एच कितना है 77, ठीक, 77 ये। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसका जो एरिया आएगा वो किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में आएगा, ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आउटर कवर्ड सरफेस एरिया इक्वल टू, ठीक है ना, वो आपका आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, मैं यहाँ पास काट पीट नहीं रहा हूँ, अगर आप रफ में करेंगे तो यही आएगा एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक, ये हमारा आ गया है आउटर कवर्ड सरफेस एरिया। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा अगर स्क्रीन पे, ठीक है ना, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आउटर कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, इसको वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले आर के जगह पे कैपिटल आर है, ठीक है ना, तो 2.2 एच 77 है, 77 जब इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है ना, कुल मिला के जब इसको कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक,
इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आउटर कवर्ड सरफेस एरिया अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो लिख लीजिएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। ये हमारा पहला नंबर और दूसरा नंबर, मतलब इनर कवर्ड सरफेस एरिया और आउटर कवर्ड सरफेस एरिया का जो सॉल्यूशन है वो आ गया। अब हमको निकालना है टोटल कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो टोटल वाला बहुत आसान होता है, देखिए टोटल वाला इसलिए आसान होता है अगर डायरेक्ट या तो फॉर्मूला से लगा लीजिए, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट क्यों लगाएं, देखिए डायरेक्ट भी वहाँ लगता है जहाँ पास ये वाला इनर वाला और इनर वाला कवर्ड सरफेस या अगर हमको नहीं निकालना है तो वहाँ पास डायरेक्ट लग जाता है। लेकिन यहाँ पास ये जो पाइप है वो कैसा है, खोखला है एक्चुअली में, तो इसको भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे, उसके बाद बाहर वाला भी निकालेंगे, अंदर वाला भी निकालेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो इनर वाला कवर्ड सरफेस एरिया है यानी ये वाला समझ लीजिए, ठीक है ना। मतलब एक्स मतलब लगा दिया मतलब समझिए कि इनर वाला है, ठीक। उसके बाद ओ लगा दिया तो आउटर वाला समझिए, आउटर में इंक्लूडिंग यहाँ से लेके और यहाँ तक हो जाएगा हमारा, और इनर में अंदर टू अंदर, ठीक। तो ये दोनों तो मिल गया, ठीक है ना। हमको इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। तो टोटल में सबसे पहले अंदर वाला कवर्ड सरफेस एरिया निकाला मैं, उसके बाद बाहर वाला निकाला है। अब बचता क्या है, एक ऊपर वाला जो सर्कल शेप में है और एक नीचे वाला जो सर्कल शेप में, ठीक है ना। तो देखिए इसका शेप देखिए, जैसे कोई भी पाइप होता है उसके आप देखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया पर, ठीक है ना। उसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, सर्कल टाइप में होगा, ठीक। तो यहाँ पास जो फॉर्मूला लगेगा वो भी सर्कल का ही लगेगा, यानी हमको निकालना है एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यही ना होता है। तो दो सर्कल है तो दो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। अब हमको ये फाइंड करना है कि आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पास आर का वैल्यू नहीं दिया है हमको, यहाँ पास दिया है इनर रेडियस दिया है और इनर रेडियस दिया है और आउटर रेडियस दिया है, ठीक है ना। लेकिन जो मेन रेडियस है वो नहीं दिया है, तो हमको इसमें क्या चाहिए, इस सर्कल का जो चाहिए हमको वो क्या चाहिए, आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसका जो एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर से निकलेगा, ठीक। तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत आसान है, देखिए मैं पहले इसको लिख लेता हूँ उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। थर्ड नंबर टोटल सरफेस एरिया, ठीक, यानी टी एस ए इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, ठीक है ना। सबसे पहले इनर कवर्ड सरफेस एरिया को प्लस करेंगे किसके साथ, आउटर कवर्ड सरफेस एरिया के साथ। उसमें प्लस करेंगे भाई, इनर आउटर तो हो गया है, ठीक। उसमें दो देखिए इसका, मान लीजिए कि हमारा क्या एक रिंग है, मान लीजिए कि हमारा पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है उसको रिंगे मान लीजिए, या टू इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए, एक ही चीज़ है। तो इसका शेप कैसा है, सर्कल शेप में है। जितना इसका एरिया आएगा मतलब जितना इसका वैल्यू होगा इस एरिया का उतना ही ऊपर वाले का होगा, ठीक। तो हम एक का निकालेंगे और टू का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो टू इंटू, ठीक है ना, टू इंटू। अब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ रिंग या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मैं सर्कल इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि इसका जो शेप है वो सर्कल में है, ठीक है ना, और आपको अच्छे समझ में है, ठीक। टू इंटू, इंटू लगा दूं मैं, हो गया, ब्रैकेट में डाल देता हूँ। एरिया ए आर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन लिख देता हूँ, मतलब वही बाहर वाला है। कुल मिला के हम जो बाहर वाला क्रॉस सेक्शन है उसी को हम कर रहे हैं, ठीक है ना। या यहाँ पास सर्कल भी बोल सकते हैं, या रिंग शेप में है तो रिंग भी बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब दो क्यों लिखा है, क्योंकि मैं एक इसका वैल्यू निकालूंगा और इसमें टू का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, या इतने में से और इतना जोड़ दूंगा, मतलब इतना वैल्यू प्लस इतना वैल्यू तो इसका वैल्यू आ जाएगा, बात एक ही है, ठीक है ना। या दो का मल्टीप्लाई कीजिए या इतना इसको निकालेंगे फिर जितना इसका वैल्यू रहेगा उतना इसका वैल्यू रहेगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यही ना होगा और इससे अधिक का होगा। तो इनर कवर्ड सरफेस एरिया और आउटर कवर्ड सरफेस एरिया का जो वैल्यू है यहाँ पास हमने फाइंड कर दिया, ठीक। अब हमको फाइंड क्या करना है कि टू इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन, ठीक। तो क्रॉस सेक्शन यानी जो इसका शेप कैसा है, सर्कल में, तो हमका जो मिलेगा फॉर्मूला वो सर्कल वाला ही मिलेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पास दूसरा फॉर्मूला लग भी नहीं सकता, तो लगा लेते हैं। तो एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर इंटू टू या टू इंटू पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, टू इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, अब हमको आर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, जहाँ पास भी अगर आपको अगर ऐसा लगे कि इनर दे दिया है और आउटर दे दिया है, ठीक है ना, और हमको मेन आर का फाइंड करना है वैल्यू, ठीक है ना, मतलब ऊपर वाला आर फाइंड करना है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, टू इंटू 22/7। अब इसमें आउटर वाले जो रेडियस है उसका स्क्वायर कीजिए, अब माइनस कर दीजिए उसमें से इनर वाले रेडियस को। अब यहाँ पास आर डैश ले लीजिए या आर वन ले लीजिए, आर वन ही ले लीजिए, ठीक है ना, स्क्वायर। आर वन मैं क्यों लिया, ठीक है ना, इसको भी आपको बताता हूँ। आर वन इसलिए लिया क्योंकि जो आर है इस क्रॉस सेक्शन का, ठीक है ना, आर वन जो है, आर तो आर रिप्रेजेंट कर रहा है इनर रेडियस के लिए और कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर रेडियस के लिए, ठीक। लेकिन आर वन जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इस क्रॉस सेक्शन जो फिगर है, मतलब सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है ना, उसका जो रेडियस होगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा आर वन, ठीक है ना। यही मैं कहना चाहता हूँ कि पाई आर वन का स्क्वायर, आर वन यहाँ पास ना तो इनर वाला है और ना ही आउटर वाला रेडियस है, ये हमारा है क्रॉस सेक्शन वाला, ठीक है ना, मतलब क्रॉस सेक्शन वाला हमारा रेडियस है, या सर्कल वाला या रिंग वाला, जो भी आप बोलना चाहे, इसका जो शेप है कैसा होगा, रिंग टाइप होगा। अब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 2 × 22/7, ठीक, इंटू, अब देखिए आर स्क्वायर, यानी यहाँ पास आप देख सकते हैं वैल्यू, जो कैपिटल आर का वैल्यू है कितना है, 2.2, ठीक है ना, का स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, माइनस आर स्मॉल आर स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, एक्चुअली मैं यही पास लगा देना चाहता, हमको यही पास लगा देना चाहता था कि जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक। तो ये फॉर्मूला मैं नीचे लगा दूंगा इसके बाद, मतलब यहाँ पास जो फॉर्मूला लगेगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, या तो इसका आप स्क्वायर करके सॉल्व कर लीजिए या फिर फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक। तो यहाँ पास मैं फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि फॉर्मूले से डायरेक्ट हमारा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पास इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो 2 × 22/7 इंटू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना, मतलब ए प्लस बी यानी 2.2 + 2, क्योंकि ए प्लस बी आएगा, यहाँ पास मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है, सेम फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो ए प्लस बी, ए ये है हमारा और बी हमारा ये है, ठीक है ना, तो 2.2 + 2 आपका हो जाएगा 4.2, ठीक, इंटू, उसके बाद ए माइनस बी, तो 2.2 - 2, तो 2.2 में जब आप माइनस 2 करेंगे, यानी माइनस करेंगे 2 को, तो आपका आ जाएगा 0.2, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पास ब्रैकेट को हटा के मैं मल्टीप्लाई का साइन दे देता हूँ, क्योंकि ब्रैकेट और मल्टीप्लाई बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ दोनों जो नंबर है वो मल्टीपल में है, तो मैं मल्टीपल में देता हूँ, और ए और बी को भी मिटा देता हूँ मैं। अब देखिए सॉल्व कीजिए, अब यहाँ पास अगर पॉइंट हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, नहीं हटाना चाहे तो नहीं भी हटा सकते, ठीक, तो मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि सॉल्व करने के बाद फिर मैं पॉइंट लगा दूंगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पास जब पॉइंट हटेगा 4.2 में से, तो अपॉन में 10 चला जाएगा, ठीक, और यहाँ पास भी अगर पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 चला जाएगा, पॉइंट हटाना तो आपसे बनता ही होगा, ठीक। अब 7 से डिवाइड कीजिए इस नंबर को, यानी 42 को, तो 6 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक, ये 6 हुआ, ठीक, उसके बाद बाकी कहीं नहीं कट रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 4 और 4 × 22 यानी 88 × 6/100, 10 × 10 100 ही होगा, ठीक। अब
सिक्स इंटू 88 अपॉन में 100 को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहीं पास सॉल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। इसके नीचे वाला स्टेप है, जबकि मैं वहाँ पास लिख रहा हूँ, स्पेस कम है इसलिए, ठीक। ये तो सेम आते जाएगा एरिया आपका जो भी है क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। LHS तो ऐसे उतर जाएगा एज इट इज, ठीक। सिक्स इंटू 88, तो 6 × 8 48 को 8 हो जाएगा हमारा, 48 का 8 कैरी 4, 6 × 8 48 प्लस 6 यानी नहीं प्लस 4 क्योंकि कैरी 4 था, यानी हो जाएगा हमारा 52। अब हमको 100 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पास डेसिमल लग जाएगा और इसका जो वैल्यू आएगा किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में आएगा, यही ना आएगा। इसका जो वैल्यू आएगा क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं और यूनिट दिया है हमको सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पास आ जाएगा हमारा, इसका जो एरिया वाला यूनिट आएगा वो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, ठीक। यानी ये वाला जो आया है इतने का जो वैल्यू आया है, ठीक है ना, वो आया 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। यानी एरिया 2 × मैं लिख देता हूँ, यहाँ पास 2 लगाना मैं भूल गया था, लगा लीजिएगा, ठीक। 2 × एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। तो यहाँ पास 2 × एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, वो आया हमारा 5.28, ठीक। ये वाला डाइए, ये वाला मेन आंसर है, ठीक है ना, 5.28, ठीक। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए देखिए, इनर कवर्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कवर्ड सरफेस एरिया, यहाँ पर देख सकते प्लस 2 × एरिया ऑफ कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक। तो 5.28, अब इन तीनों को जब आप सम कर देंगे तो इसका जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया का जो वैल्यू है मिल जाएगा। तो सबसे पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहीं पास मिटा कर मैं इसको ऐड कर देता हूं, अब देखिए इनर कवर्ड सरफेस एरिया जो हमारा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, ठीक। आउटर 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, ठीक। उसके बाद ये है हमारा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। इसको ऐड कर रहे हैं तब जाके हमारा मिलेगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक। तो ऐड कर देता हूँ 968.00, ठीक है ना। उसके बाद 1064.8, ठीक। उसके बाद इसको ऐड करना है, वो आया बारह है 5.28, इन तीनों को सब कर रहा है ना, सब कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और मैं भी सॉल्व करूँ तो कुछ गलत ना हो, ठीक है ना। तो देखिए ऐड कर देते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि जो डेसिमल है सारे एक ही सेंटर में हो, ठीक है ना, एक ही कतार में हो। सॉल्व कर देते हैं, तो 0 + 8 आपका 8 ही आएगा, ठीक। 8 + 2 = 10, 0.5। अब इधर वाला जो कैरी है, ठीक है ना, यानी जो हासिल है इधर साइड चला जाएगा, ठीक। डेसिमल एज इट इज उतर जाएगा, ठीक। तो यहाँ पास 10 था तो 1 कैरी था, ठीक। तो 1 + 8 = 9, ठीक है ना, और 9 आइए 9 कितना होगा, 9 × 9 = 18 को 8, ठीक। अब 18 में 1 कैरी हुआ, ठीक। उसके बाद 6 × 6 = 12 और 1 = 13, 9 और 1 = 13 का जो कैरी था 1 था तो हो जाएगा 10। अब 1 × 1 = 2, यानी जो हमारा टोटल सरफेस एरिया जो आया है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इन तीनों का जो वैल्यू था वो किसमें था,
सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में था, तो ये भी आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर। अब कुछ होशियार बच्चे होंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का यहाँ पास आप लिख मत देना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना, क्योंकि यूनिट सेम रहता है। ठीक, तो इसको मत ऐड कर दीजिएगा, सेंटीमीटर 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 सब स्क्वायर वाले को यहाँ पास 3 मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना। हम एलजेब्रा नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम यूनिट को देख रहे हैं और यूनिट को लिख रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा जो फाइनल आंसर है जो थर्ड नंबर का वो ये है। ठीक, और जो हमारा फर्स्ट नंबर का है वो ये है, और सेकेंड नंबर का ये है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा। ठीक, खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल के साथ, और हम अगले वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।